नेता चुना गया है लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी का, और अभी एनडीए की भी मीटिंग होने जा रही है जिसमें नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार नेता चुना जाएगा। नहीं बिल्कुल, और महज एक औपचारिकता है हमारे प्रधानमंत्री जी को नेता चुनने की। हम सब ने उन्हीं के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा और उन्हीं के नेतृत्व में ये सामर्थ्य था कि लगातार तीसरी बार एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। ऐसे में आज तमाम एनडीए के सांसद इकट्ठे होंगे संविधान सदन में, वहां पर इकट्ठे होकर इस औपचारिकता को पूरा किया जाएगा और जल्द एनडीए सरकार बनाने जा रहा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री जी शपथ लेने जा रहे हैं और ये सरकार उतनी ही मजबूत होगी जितनी मजबूती से पिछले 10 सालों में ये सरकार चली है। और जैसा मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये 10 साल तो ट्रेलर है, अभी कई कार्य और होने बाकी हैं। इन 5 सालों में वो तमाम कार्य धरातल पर उतरते हुए दिखाई